तो भाई लोग कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज का इस वीडियो जो है एक ऐप रिव्यू वीडियो है और इसके लिए जो है मुझे कोई स्पॉन्सरशिप या फिर कोई जो है कुछ मिला नहीं है। ये जो है मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ और मैं इस वीडियो में जो है आपको उस ऐप के बारे में बताऊँगा। दरअसल हुआ ये कि दोस्तों कि कुछ दिन पहले जो है मैं चाहता था कि मैं अपना वीडियो का बैकग्राउंड जो है वो ब्लर करूँ बिना किसी ग्रीन स्क्रीन वगैरह के, क्योंकि पहले भी मैंने वीडियो अपलोड करा है तो किस तरह से हम काइन मास्टर में ग्रीन स्क्रीन की मदद से अपना बैकग्राउंड ब्लर कर सकते हैं। तो उस तरह का नहीं चाहिए था क्योंकि मेरे पास जो है एक फ़ोन है, बढ़िया सा फ़ोन अभी जो है रिसेंटली मैंने लिया है और मैं चाहता था कि उसी फ़ोन से जो है मैं डायरेक्ट अपना बैकग्राउंड ब्लर करके अपने वीडियो को शूट करूँ। तो ऐसे में मैंने जो है बहुत सारे वीडियो को सर्च किया, यूट्यूब पर सर्च किया और बहुत सारे वीडियो को मैंने देखा और उनके कहे मुताबिक मैंने बहुत सारे ऐप को इंस्टॉल किया और उसको जो है मैंने चेक भी किया। उन सभी ऐप में से जो है एक जो है सबसे बड़ा ऐप जो नाम उभर के आया है वो है ओपन कैमरा के बारे में। सो गाइस आज हम रिव्यू करने वाले हैं ओपन कैमरा के बारे में, क्या वो ऐप हमारे वीडियो का बैकग्राउंड को ब्लर कर रहा है या नहीं। फ़िलहाल जो आप देख रहे हैं ये ओपन कैमरा नहीं है, ये मैं जो है अपने कैमरे से डायरेक्ट मैं जो है कर रहा हूँ, मगर हम जो रिव्यू करने वाले हैं ओपन कैमरा के बारे में, ऐप के बारे में। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इस वीडियो में जो है मतलब जो फ़िलहाल आप देख रहे हैं इसमें मैंने किस तरह से अपना बैकग्राउंड को ब्लर किया है इस बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक भी जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम जो है रिव्यू करते हैं ओपन कैमरा के बारे में, तो क्या वो हमारा जो बैकग्राउंड है ब्लर करता है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम कुछ वीडियो देख लेते हैं कि उस वीडियो में क्या प्रोसेस बताया है और फिर उसके बाद में हम उस प्रोसेस को दोहराएंगे। तो भाई फ़िलहाल जो है मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे हूँ और हम जो है यूट्यूब ओपन कर लेते हैं और यहाँ से हम सर्च करते हैं बैकग्राउंड ब्लर, ठीक है, हाउ टू ब्लर वीडियो बैकग्राउंड। सो गाइस यहाँ आप देख सकते हैं हाउ टू वीडियो बैकग्राउंड ब्लर, आपको बहुत सारे वीडियो जो है नज़र आएंगे इसमें ओपन कैमरा। तो ये वीडियो है और चलिए इस सब को जो है हम आगे कर लेते हैं। बताओ ओके, तो यहाँ से चालू होता है ट्यूटोरियल। तो देखते हैं कि क्या हम अपने वीडियो का बैकग्राउंड कैसा करेंगे। तो ये फ़िलहाल जो है एक्सपोजर सेट कर रहे हैं भाई, एक्सपोजर नहीं, हमें बैकग्राउंड जो है ब्लर करना है। तो ठीक है, इन्होंने जो है एक पत्ते पे फोकस किया, ठीक है, और यहाँ से जो है इन्होंने फोकस को लॉक कर दिया। अब बैकग्राउंड उतना खास ब्लर तो दिख नहीं रहा है। तो यार वीडियो जो है आप देखिए, वीडियो 5 मिनट लगभग जो है 6 साढ़े 6 मिनट का वीडियो है और अभी तक हमें वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर नहीं नज़र आया है, ठीक है। तो भाई इसमें भी ब्लर जो है आता जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओपन कैमरा ही मार लेते हैं क्योंकि हमको जो है ब्लर इन ओपन कैमरा, इन OPEN ओपन कैमरा। तो ओपन कैमरा के बारे में बताना है, उसको भी देख लेते हैं भाई। तो फालतू का वीडियो जो है डिलीट कर देते हैं, इसको आगे कर लेते हैं। ओपन कैमरा भाई, चल कैमरा दिखा। तो भाई यहाँ देखो, ये भी अपने पैर पे फोकस कर रहा है, चप्पल दिखा रहा है, चप्पल ब्लर है, ठीक है। तो भाई लोग जैसे कि मैंने कुछ वीडियो देखा, दो ही वीडियो देखा है और दोनों ही वीडियो में जो है हमने देखा कि किस तरह से वो बता रहे हैं फोकस को लॉक करना है, मगर दोनों वीडियो, ये दो वीडियो नहीं, इससे पहले मैंने और भी बहुत सारी ऐसे वीडियो देख चुका है ओपन कैमरा के बारे में
और इन सभी चीज़ों सभी वीडियो में एक चीज़ आपने कॉमन पाया होगा कि किसी भी वीडियो में उन्होंने लाइव मतलब अपने आप को फेस कैम करके अपना वीडियो का बैकग्राउंड ब्लर करके नहीं दिखाया है। तो समझने वाली बात यह है कि उन्होंने क्यों नहीं दिखाया भाई, अगर बैकग्राउंड ब्लर होता है तो अपना फेस कैम वीडियो दिखाओ। अरे अपना नहीं दिखा सकते, किसी का भी एक किसी को लेके भी आप बना सकते हो, उसका बैकग्राउंड ब्लर करके दिखा सकते हो। तो ये एक चीज़ पॉइंट है। और चलिए मैं ऐप खोल के जो है क्या है नहीं है पूरा डिटेल जो है आपको मैं देता हूँ। तो भाई फ़िलहाल जो है मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ओपन कैमरा जो है इंस्टॉल करके रखा है प्ले स्टोर से। तो चलिए हम उसको ओपन कर लेते हैं और इस तरह से जो है हमारा ओपन कैमरा जो है वो आ चुका है। इसको हम रोटेशन भी कर लेते हैं। चलिए ठीक है। तो जैसे कि भाई वीडियो रेजोल्यूशन वगैरह सेट करना है वो सब जो है प्रोसेस वो आप कर सकते हैं, इसके लिए कुछ नहीं है वीडियो सेटिंग में। ठीक है, ये इसमें कुछ है का कुछ खास है नहीं। तो हम सीधे बढ़ते हैं अपने कैमरा की तरफ। तो फ़िलहाल जैसे आप देख सकते हैं तो फ़िलहाल जो है मैं भी अपना फेस कैम नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि यार फ्रंट कैमरा में भी मुझे नहीं लगता कि बैकग्राउंड जो है ब्लर होगा। तो फ़िलहाल जो है मैं अपने रियर कैमरा से कर रहा हूँ और हम जो है अपने ट्राइपॉड को फोकस करते हैं। इसको यहाँ से हम ऑटो फोकस, तो यार फोकस हो जा। ठीक है, तो यार ये फोकस हो नहीं रहा। ठीक है, तो चलिए जैसे कि वीडियो में बताया था चलिए हम अपने हाथ को जो है फोकस कर लेते हैं। मैंने फोकस कर लिया अपने हाथ को। ठीक है, अबे आ जा फोकस हो जा, हो नहीं रहा है भाई, हो जा। माइक्रो 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 में भी नहीं हो रहा है भाई, फोकस हो जा। अरे हो जा भाई, हो जा भाई, हो क्यों नहीं रहा भाई, फोकस हो जा मेरे भाई, ऑटो फोकस। तो यार पहले तो ये मेरे हैंड को, अच्छा चलो अब फोकस हुआ, इतने पास में हुआ। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे लॉक, फोकस लॉक। अबे ये हाथ का ये फोकस लॉक हो गया। यार लॉक हो जा भाई, ऑटो फोकस। अब इसको करते हैं लॉक भाई, हो नहीं रहा। लॉक बंद करो, फोकस हो गया, ऑटो फोकस चला गया, ऑटो फोकस, फोकस को हमने लॉक कर दिया। तो भाई पहली बात तो ये कि लॉक हो नहीं रहा है बैकग्राउंड। ठीक है, मैं इतने सारे टेस्ट इतने सारे सेटिंग के बावजूद भी जो है हमारा वीडियो ब्लर हो ही नहीं रहा था भाई। तो ये ऐप बहुत ही मतलब
ब्लर के लिए है नहीं यार, इस ऐप के जरिए आप जो है अगर कोई माइक्रो फोकस वगैरह तो इस ऐप की इसकी ज़रूरत नहीं है यार, ये आप अपने फ़ोन पे भी कर सकते हो। तो यार ये ऐप जो है बैकग्राउंड ब्लर के लिए बहुत ही मतलब बढ़िया ऐप नहीं है, जिस तरह से बहुत सारे यूट्यूबर ने वीडियो बनाया है। तो मैं यही कहूँगा, आप अगर वीडियो ब्लर करना चाहते हैं अपनी वीडियो का, तो सिंपल सा तरीका जो है मैंने अपनी वीडियो में बताया है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए और आप भी मेरी तरह जो है सिंपल तरीके से जो अपना वीडियो को ब्लर कर सकते हैं और अपनी वीडियो को प्रोफेशनल एडिटिंग कर सकते हैं। तो यही एक छोटा सा वीडियो था आपको जो है सही चीज़ बताने का, क्योंकि YouTube में ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ का हमें पता नहीं है और हम नॉलेज के लिए YouTube पे वीडियो सर्च करते हैं। तो बहुत सारे जो है शायद आप अगर 10 वीडियो अगर सर्च करेंगे या फिर 15-20 वीडियो सर्च करेंगे तो उसमें शायद एक जो है आपको सही वीडियो मिलेगा, बाकी जो है लगभग 20 में से अगर देखें तो 18-19 वीडियो जो है आपको फेक ही मिलेगा। सो गाइस, आज का वीडियो बस यहीं पर। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इसी तरह का अगर ऐप रिव्यू के बारे में आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बॉक्स में जो है ज़रूर कमेंट कीजिए, और मैं आने वाले टाइम में कुछ इसी तरह का इंटरेस्टिंग ऐप के बारे में जो है रिव्यू ज़रूर करूँगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।